हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माइंडफुली सी ट्यूटोरियल्स। आज हम अपने सी ट्यूटोरियल्स में फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शंस के बारे में जानेंगे। अपने लास्ट ट्यूटोरियल में हमने देखा कि जो कंसोल इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस होते हैं वो दो तरह से होते हैं, फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शंस एंड अनफॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शंस। अपने इस ट्यूटोरियल में हम फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शंस के बारे में जानेंगे। The formatted functions allows the input read from the keyboard or the output display on the visual display unit to be formatted as per our requirements. यानी कि formatted input output functions वो functions होते हैं जिन्हें हम keyboard के through read करते हैं, यानी कि input लेते हैं, और visual display unit यानी कि screen पर हम उसका output display करते हैं as a format as per our requirements। यानी कि जो format है उसका हम वो as per our requirements अपनी wish के according जो है वो set कर सकते हैं। For example, if the values of average marks and percentage marks are to be displayed on the screen, like मुझे 10 student के average marks और percentage marks screen पर display करवाने हैं, तो मैं details जो है अपने according set कर सकती हूँ कि where the output would appear on the screen, यानी कि जो output है वो मुझे screen पर किस तरह से show करनी है, कहाँ पर show करनी है, how many spaces would be present between the two values, यानी कि दो values के बीच में मैं कितना space set करना चाहती हूँ, the number of places after the decimal point etc, यानी कि decimal point के बाद मैं कितने और places जो है वो लेना चाहती हूँ, एटसेट्रा कैन बी कंट्रोल बाय यूजिंग फॉर्मेटेड फंक्शन। यानी कि अगर मैं इन वैल्यूज के लिए ये सब स्पेसिफिकेशंस देना चाहती हूँ, ये सब फॉर्मेट देना चाहती हूँ, तो मैं उसे फॉर्मेटेड फंक्शंस के थ्रू कंट्रोल कर सकती हूँ। फॉर्मेटेड आउटपुट प्रिंट एफ। सी में फॉर्मेटेड आउटपुट के लिए एक स्टैंडर्ड फंक्शन है जिसका नाम है प्रिंट एफ। द आउटपुट फंक्शन प्रिंट एफ ट्रांसलेट्स इंटरनल वैल्यूज टू करेक्टर। लेट अस सपोज मैंने एक वैल्यू अपने कंप्यूटर में इनपुट दिया, यानी कि कोई भी इनपुट दिया और वो इनपुट जो है कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर हो गया। अब मुझे उस कंप्यूटर मेमोरी से उसे स्क्रीन पर शो करना है, यानी कि आउटपुट देना है, तो मैं प्रिंट एफ के थ्रू जो है सी में आउटपुट स्क्रीन पर शो कर सकती हूँ। प्रोटोटाइपिंग, इसके लिए क्या प्रोटोटाइप है? प्रिंट एफ, आप यहां से ब्रेसेस लगाएंगे यानी कि पैरेंथेसिस लगाएंगे, फिर हम डबल कोट्स में वो वैल्यूज लिखेंगे जिन्हें हम एज इट इज स्क्रीन पर प्रिंट करवाना चाहते हैं, यानी कि इन वैल्यूज में कोई भी चेंज नहीं होगा। जैसे कि वैल्यू वन कॉलन, वैल्यू टू कॉलन, ये वैल्यू वन और वैल्यू टू एज इट इज स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा। मगर ये जो वैल्यूज आपको यहां दिख रही है परसेंटाइल डी, ये परसेंटाइल डी एक फॉर्मेट स्पेसिफायर है, यानी कि जो वैल्यू है वो इंटीजर टाइप की है। परसेंटाइल एफ इज द फॉर्मेट स्पेसिफायर फॉर फ्लोट टाइप वैल्यूज। तो ये जो है ये हमारे लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर है, और जो बैक स्लैश एन है वो एक एस्केप सीक्वेंस है, वो भी एक फॉर्मेट स्पेसिफायर है। इन बैक स्लैश करेक्टर्स के बारे में यानी कि एस्केप सीक्वेंसेस के बारे में और फॉर्मेट स्पेसिफायर्स के बारे में हम अपने आगे यानी कि इसी ट्यूटोरियल में आगे जानेंगे। अब जो वैल्यू है इन 12 की, उसके बाद हम डबल कोट्स के बाद हम एक कॉमा लगाएंगे, और जिनकी वैल्यूज हम इन परसेंटाइल डी और एफ में डालना चाहते हैं वो आर्ग्यूमेंट्स हम यहाँ पर लिख देंगे। लाइक इंटवेल, इंटवेल की वैल्यू जो है वो परसेंटाइल डी यानी कि इंटीजर टाइप की है और वो इसमें स्टोर हो जाएगी, और फ्लोट वेल की वैल्यू जो है वो परसेंटाइल एफ में जो है वो स्पेसिफाई हो जाएगी। अब हम इसके बारे में कुछ और जानते हैं। प्रिंटएफ कन्वर्ट्स फॉर्मेट्स एंड प्रिंट्स इट्स आर्ग्यूमेंट ऑन द स्टैंडर्ड आउटपुट अंडर कंट्रोल ऑफ द फॉर्मेट। जो प्रिंटएफ फंक्शन है वो आउटपुट को कन्वर्ट करता है, फॉर्मेट करता है और एज इट इज प्रिंट करता है अपने आर्ग्यूमेंट्स को ऑन द स्टैंडर्ड इनपुट, ऑन द स्टैंडर्ड आउटपुट अंडर कंट्रोल ऑफ द फॉर्मेट। इट रिटर्न्स द नंबर ऑफ करेक्टर्स प्रिंटेड। द फॉर्मेट स्ट्रिंग कैन कंटेन, इसके बारे में कि वो किस तरह से कन्वर्ट करता है, फॉर्मेट करता है या प्रिंट करता है, हम इसके बारे में जानेंगे। जो फॉर्मेट स्ट्रिंग होती है प्रिंट एफ की वो क्या क्या उसमें होता है? करेक्टर्स दैट आर सिंपली प्रिंटेड एज दे आर, यानी कि वो करेक्टर्स जो हम एज इट इज प्रिंट करवाना चाहते हैं स्क्रीन पर वो हम डबल कोट्स में स्पेसिफाई करेंगे, यानी कि जो भी डबल कोट के अंदर करेक्टर होंगे वो एज इट इज स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएंगे। कन्वर्जन स्पेसिफिकेशंस दैट बिगिंस विद अ परसेंटाइल साइन, यानी कि जो भी परसेंटाइल साइन जिससे भी पहले लगा होगा, इट मींस उसके आगे का करेक्टर जो है वो कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन दे रहा है, यानी कि जो वैल्यू है वो किस फॉर्मेट में कन्वर्ट होगी। एस्केप सीक्वेंसेस दैट बिगिंस विद द बैक स्लैश साइन, यानी कि जो भी करेक्टर इस बैक स्लैश से शुरू होगा वो बताएगा कि ये एक एस्केप सीक्वेंस है। द फॉर्मेट स्ट्रिंग कंटेन्स टू टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स। जो हमारी प्रिंटेड स्ट्रिंग होगी वो दो टाइप की ऑब्जेक्ट्स जो है वो कंटेन करेगी। सबसे पहला है ऑर्डिनरी करेक्टर्स विच आर कॉपी टू द आउटपुट स्ट्रीम,
एज इट इज, यानी कि ऑर्डिनरी कैरेक्टर्स, जो भी डबल कोट्स के अंदर कैरेक्टर होते हैं हम उन्हें ऑर्डिनरी कैरेक्टर्स कहते हैं, जो एज इट इज स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएंगे। नेक्स्ट होगा कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन। कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन लाइक परसेंटाइल डी, स्केप सीक्वेंसेस, जो पहले वैल्यू को उसमें कन्वर्ट करेंगे और फिर प्रिंटएफ के थ्रू वो स्क्रीन पर प्रिंट होगी। ईच कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन बिगिन्स विद अ परसेंटाइल साइन एंड एंड्स विद अ कन्वर्जन कैरेक्टर, यानी कि जैसे मैंने आपको कहा कि जो भी कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन होंगे, यानी कि जो भी फॉर्मेट स्पेसिफायर्स होंगे, वो परसेंटाइल साइन से शुरू होंगे और एक करेक्टर के साथ जो है वो खत्म होंगे। जैसे कि परसेंटाइल डी, वो ये बता रहा है कि जो वैल्यू है वो इंटीजर टाइप की है, यानी कि वैल्यू पहले इंटीजर टाइप में कन्वर्ट होगी और फिर प्रिंटएफ के थ्रू जो है आउटपुट स्क्रीन पर शो होगा। देयर आर वेरियस फॉर्मेट स्पेसिफिकेशन इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड दीज आर डेटा टाइप, इंटीजर, जो इंटीजर डेटा टाइप है उसमें काफी तरह से हमारे पास टाइप है, लाइक शॉर्ट साइंड इंट, शॉर्ट अनसाइंड इंट, लॉन्ग साइंड, लॉन्ग अनसाइंड, अनसाइंड हेक्साडेसिमल एंड अनसाइंड ऑक्टल। इन्हें रिप्रेजेंट करने के लिए हमें किस फॉर्मेट स्पेसिफायर की जरूरत है या किस फॉर्मेट स्पेसिफिकेशन की जरूरत होगी? अगर हम शॉर्ट साइन इंटीजर टाइप की वैल्यू लेना चाहते हैं तो हमें परसेंटाइल डी या परसेंटाइल आई का यूज करना होगा। शॉर्ट अनसाइंड इंट के लिए हमें परसेंटाइल यू का यूज करना होगा। लॉन्ग साइंड के लिए हमें परसेंटाइल एल डी का यूज करना होगा। लॉन्ग अनसाइंड के लिए परसेंटाइल एल यू का। अनसाइंड हेक्साडेसिमल के लिए परसेंटाइल एक्स का और अनसाइंड ऑक्टल के लिए परसेंटाइल ओ का। इसी तरह से अगर हमारे डेटा टाइप रियल है तो हम दो तरह से वैल्यूज ले सकते हैं, फ्लोट और डबल। अगर हम फ्लोट टाइप की वैल्यू लेते हैं तो हमें परसेंटाइल एफ लेना होगा और डबल टाइप में अगर हम वैल्यू को शो करना चाहते हैं तो हमें परसेंटाइल एल एफ लेना होगा। करेक्टर के लिए हम दो तरह से स्पेसिफिकेशन दे सकते हैं, अनसाइंड करेक्टर और अनसाइंड करेक्टर साइन करेक्टर, और दोनों के लिए ही हमें परसेंटाइल सी का यूज करना होगा। स्ट्रिंग के लिए हम परसेंटाइल, यानी कि अगर हम स्ट्रिंग शो करना चाहते हैं तो हमें परसेंटाइल एस का यूज करना होगा। ये थे हमारे फॉर्मेट स्पेसिफायर अगर हम एक पर्टिकुलर टाइप की वैल्यू स्क्रीन पर प्रिंट करवाना चाहते हैं। कुछ ऑप्शन स्पेसिफायर्स भी हैं, जैसे कि डीडी। डीडी किस लिए यूज होता है? डीडी इज द स्पेसिफायर फॉर डिजिटल डिजिट स्पेसिफाइंग फील्ड विड्थ, यानी कि अगर हम स्पेसिफाइंग फील्ड विड्थ स्पेसिफाई करना चाहते हैं किसी भी वैल्यू की तो हम वहां पे डीडी का यूज कर सकते हैं। डेसिमल पॉइंट सेपरेटिंग फील्ड विड्थ फ्रॉम प्रिसीजन, यानी कि हम डेसिमल पॉइंट के बाद जितने भी नंबर्स लेना चाहते हैं वो हम बता सकते हैं डीडी की हेल्प से फील्ड विड्थ देकर। प्रिसीजन स्टैंड फॉर द नंबर ऑफ प्लेसेस आफ्टर डेसिमल पॉइंट, यानी कि डेसिमल पॉइंट के बाद कितने नंबर आएंगे वो हम फील्ड विड्थ के थ्रू स्पेसिफाई कर सकते हैं। सपोज यहां पर डीडी डिजिट स्पेसिफाइंग प्रिसीजन में 10D दे देती हूँ। 10D का मतलब उस वैल्यू के लिए उसने 10 bits जो है वो स्टोर कर लिए हैं। माइनस साइन, माइनस साइन हम किस लिए यूज करते हैं? अगर हम अपनी वैल्यू को, यानी कि आउटपुट को लेफ्ट जस्टिफाई करवाना चाहते हैं फील्ड विड्थ के थ्रू तो हम वहां पर माइनस डीडी साइंस का यूज कर सकते हैं, माइनस साइन का यूज कर सकते हैं आउटपुट को लेफ्ट जस्टिफाई करवाने के लिए। तो ये थे हमारे फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शंस। अब हम इन फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शंस का, जो आपने देखे जितने भी हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स यूज किए, इनका यूज हम जो है अपने ट्यूटोरियल्स में पहले से ही कर चुके हैं प्रिंटएफ। अब इनको और फॉर्मेट करने के लिए हम अपने आगे आने वाले ट्यूटोरियल्स में इसका एक एग्जांपल देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय फॉर नाउ।